नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत करेंगे वॉर जोन से आ रही अभी की बड़ी खबर के साथ। युद्ध को लेकर कीव से बहुत बड़ी खबर इस वक्त है। कई कमांडर्स को हटा सकते हैं ज़ेलेंस्की। खबर ये आ रही है कि कमांडर्स के काम से संतुष्ट नहीं है यूक्रेन के नए सेनाध्यक्ष ज़ेलेंस्की। यूक्रेनी फोर्स में बड़े बदलाव की तैयारियों की भी खबर आ रही है। बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। कमांडर्स के काम से संतुष्ट नहीं नजर आ रही है इस वक्त यूक्रेनी सेना, और ऐसे में कहा जा रहा है कि बहुत जल्द बड़ा परिवर्तन हो सकता है। 212 साल बाद एक बार फिर रूस और फ्रांस के बीच महासंग्राम तय माना जा रहा है। बढ़ते तनाव के बीच दोनों देशों की सेना का आमना सामना भी हुआ। पूर्वी यूरोप के आसमान में रूसी सुखोई को फ्रांस के मिराज जेट ने चुनौती दी और आसमान में युद्ध के हालात बन गए। पुतिन के गुस्से की आग में घी का काम करने वाली वारदात के बीच रूस से परमाणु युद्ध की तैयारी से जुड़ी कई बड़ी खबरें भी आ रही हैं। रूस आर्कटिक में एटमी विस्फोट की तैयारी में है। रूस ने परमाणु हमला करने वाली यार्स मिसाइल का टेस्ट भी किया है। हथियारों की तैनाती के बीच रूस में 2,00,000 नए सैनिकों की भर्ती का अभियान भी शुरू कर दिया गया है। आसमान में कुछ विमानों की नजदीकियां दुनिया की धड़कनें तेज कर रहा था। कुछ फाइटर जेट्स की हर मूवमेंट के साथ दुनिया में एक अघोषित काउंटडाउन की शुरुआत हो चुकी थी। मॉस्को, पेरिस, जर्मनी, बीजिंग, पेंटागन के कमांड रूम में खलबली मच गई। बस एक ट्रिगर के दबते ही दुनिया के कई कोने से युद्ध का आगाज होना तय हो गया था। क्योंकि आसमान में एक तरफ रूस के विमान थे, दूसरी तरफ फ्रांस के फाइटर जेट उन्हें चुनौती दे रहे थे। दो सौ बारह साल का विराम, नेटो रूस में संग्राम। रूस और फ्रांस के बीच जबरदस्त तनाव की वजह यूक्रेन है। इस टेंशन का भविष्य में क्या होने वाला है, इसकी छोटी सी झलक दुनिया ने देख ली है। दुनिया में इसी वीडियो को थर्ड वर्ल्ड वॉर का पहला टीजर कहा जा रहा है। इस वीडियो में भले ही मिसाइलों का शोर नहीं, बम धमाकों की दहशत नहीं, लेकिन इस वीडियो से फ्रांस रूस का सीधा आमना सामना शुरू हो गया है। क्या हुआ ये जानने से पहले फ्रांस रूस की अदावत के लंबे होते चैप्टर को संक्षेप में जान लीजिए। रूस फ्रांस के बीच दुश्मनी की पहली वजह है यूक्रेन को लगातार हथियारों की सप्लाई, यूक्रेन को स्कैल्प मिसाइलों की सप्लाई। लेकिन अब उनसे भी बड़ा मुद्दा है, और वो है फ्रांस यूक्रेन में सैनिकों की तैनाती का प्लान बना रहा है। खार्किव में फ्रांस के सैनिकों की मौजूदगी के सबूत भी मिले थे। फ्रांस यूक्रेन को 2,000 कामिकाजे ड्रोन देने जा रहा है।
फ्रांस से लगातार मदद के ऐलान के बीच दोनों देशों के बीच गुरुवार आसमान में भिड़ंत भी हो गई। क्या हुआ आपको बताते हैं। रूस से हमले के खतरे को देखते हुए रूस से सटे पूर्वी यूरोप में फ्रांस के मिराज फाइटर जेट अक्सर गश्त करते हैं और नेटो की पूर्वी सीमा की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। गुरुवार को भी दो फाइटर जेट गश्त कर रहे थे और गश्त के दौरान ही फ्रांस के पायलट्स ने दो रूसी फाइटर जेट्स को इंटरसेप्ट किया। ये रूस के सुखोई 30M जेट थे जो नेटो देशों के करीब आ रहे थे। फ्रांस की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के सुखोई फाइटर जेट लातविया के तट के करीब उड़ान भर रहे थे। फ्रेंच पायलट्स ने रूसी पायलट्स को चेतावनी दी। कई मिनट तक युद्ध जैसे हालात रहे और फिर रूसी विमान वापस लौट गए। इसी दौरान रूस का एक विमान फ्रेंच मिराज से इंटरसेप्ट किया गया। यह रूसी AN-72 ट्रांसपोर्ट विमान था। विमान लिथुआनिया के तट के करीब उड़ान भर रहा था। फ्रेंच पायलट्स की चेतावनी के बाद यह रूसी विमान भी वापस रूस के एयर स्पेस में लौट गया। महायुद्ध की आशंका की वजह सिर्फ आसमान में ये टक्कर नहीं बल्कि रूस की वो तैयारियां हैं जो किसी भी पल दुनिया को विध्वंस की आग में झुलसा सकती है। पुतिन ने अपने संबोधन में शब्दों से जो आग उगली थी वो अब मिसाइलों के धमाके से नजर आने लगी है। याद से शक्ति प्रदर्शन, नेटो की बढ़ी टेंशन, ये रूस की घातक मिसाइल याद से। पुतिन के संबोधन के ठीक 24 घंटे बाद रूस ने अपनी मिसाइल को फायर कर दिया। ये टेस्ट फायर जरूर था लेकिन नेटो इस शक्ति प्रदर्शन का अर्थ बखूबी समझता है। यार्स मिसाइल परमाणु हमला करने में सक्षम है। यार्स की रेंज 10 से 12,000 किलोमीटर तक है। मैक 25 रफ्तार वाली ये प्रति घंटे 30,000 किलोमीटर की रफ्तार से प्रहार करता है। डॉक्टर प्रिंस, प्रिगतोय से совместным действием. Совместным действием готов. Внимание, счет, пуск. रूस ने मिसाइल टेस्ट का जो वीडियो जारी किया है उसमें यार्स मिसाइल 50,000 किलो के वॉरहेड के साथ दागी गई है। यार्स के साथ लगे वॉरहेड की लंबाई 75 फीट थी। यार्स 500 किलोटन के वॉरहेड के साथ हमला करने में सक्षम है। अगर उसके अंजाम की बात करें तो हिरोशिमा में हुए धमाके से 30 गुना ज्यादा बड़ा परमाणु धमाका होगा। पुतिन ने हथियारों की टेस्टिंग के साथ रूस में सैनिक भर्ती अभियान भी शुरू कराया है। रूस में रिजर्व फोर्स में बड़े पैमाने पर भर्ती होगी। रूस के नागरिकों को सेना की ट्रेनिंग दी जाएगी। 2024 में रिजर्व फोर्स को कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना होगा। इन तैयारियों के बीच आशंका है कि पुतिन प्राचीन आर्कटिक में एक भयानक परमाणु विस्फोट परीक्षण करने की तैयारी कर रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक रूस का परमाणु विस्फोट उसी जगह पर किया जाएगा जहां 1961 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली बम विस्फोट किया गया था। साठ साल पहले आर्कटिक में रूस ने जार बम का टेस्ट किया था जिसमें हिरोशिमा के धमाके से 33,000 गुना ज्यादा ऊर्जा निकली थी। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि पुतिन नोवाया जेमलिया द्वीप के उसी जगह पर एक और परमाणु विस्फोट परीक्षण करेंगे। रूस की इन्हीं तैयारियों की वजह से ही अब यूरोप के देश अमेरिका से अलग एक न्यूक्लियर डिफेंस सिस्टम बनाने का प्लान तैयार कर रहे हैं जिसमें जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस की अहम भूमिका होगी।
रूस में सबसे ज्यादा खतरा यूरोप के देशों को है, लेकिन अब तक नेटो के सदस्य देश अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर रहे हैं। अब यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोपीय देश अपने रक्षा कवच को और मजबूत करना चाहते हैं ताकि अमेरिका पर निर्भरता खत्म हो सके। खासकर परमाणु युद्ध के मामले में अमेरिका ही नेटो में सबसे शक्तिशाली है। अमेरिका में सरकार बदलने के साथ नीति भी बदल सकती है। यूरोप को लेकर अमेरिका का रुख राष्ट्रपति की नीति पर निर्भर करता है। यूरोप के देश अब अपनी परमाणु रक्षा प्रणाली से आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। अमेरिका के लिए मौजूदा दौर में रूस बड़ी चुनौती जरूर है, लेकिन अमेरिका चीन और मिडिल ईस्ट और कोरियाई प्रायद्वीप में भी उलझ सकता है। ऐसे हाल में यूरोप के देश अब परमाणु हथियार बनाने के साथ ही परमाणु युद्ध लड़ने के लिए खुद को तैयार करना जरूरी मान रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। की धरती पर यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ है। एकांतरिंगबर्ग में यूक्रेनी सेना का विस्फोट हुआ है। यूक्रेन ने पावर स्टेशन पर ड्रोन हमला किया है। यहां से मिलिट्री फैक्ट्री को बिजली सप्लाई होती थी। रात के अंधेरे में यूक्रेनी फोर्स का यह हमला हुआ है। पिछले 14 दिनों में ये यूक्रेन के काउंटर अटैक में रूसी सेना को कितनी बड़ी चोट पहुंची है, अब उन आंकड़ों को आप समझ लीजिए। 14 दिन के अंदर रूस के 1,220 सैनिक मारे जा चुके हैं। 2 हफ्तों में यूक्रेनी फोर्स रूस के 14 लड़ाकू विमानों को जला चुकी है। इसमें रूस का एक सर्वेलेंस विमान भी शामिल है। लेकिन इन तमाम घटनाओं के बीच एक रिपोर्ट जो बताएगी कि मौजूदा हालात इस वक्त वहां क्या है, देखिए। पैट्रियट से विस्फोट हुआ और लड़ाकू विमान जल गया। जोरदार धमाका हुआ और टैंक स्वाहा हो गया। बारूदी ब्लास्ट हुआ तो सैन्य वाहन भस्म हो गया। ड्रोन टारगेट पर पहुंचकर विस्फोट करता उससे पहले ही तबाह हो गया। आर्टिलरी अटैक कर पाती उससे पहले ही आग के गोले में बदल गई। ये उस हमले का भयावह दृश्य है जिसे यूक्रेनी सेना ने अंजाम दिया। यूक्रेन का नया काउंटर अटैक न सिर्फ सफल हो रहा है बल्कि हर बीतते दिन के साथ घातक होता जा रहा है। इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही है। 24 घंटे के भीतर ही यूक्रेनी सेना ने रूस की सेना को कई फ्रंट पर बहुत गहरे जख्म दिए हैं। युद्ध भूमि हो या रूस की धरती, ज़ेलेंस्की की सेना ने रूस से विध्वंसक बदला ले लिया है। यूक्रेन ने एक बार फिर से रूस को बहुत बड़ा जख्म दिया है। युद्ध के आसमान में यूक्रेनी फोर्स ने रूस के सुखोई 34 लड़ाकू विमान को चला दिया। इसी के साथ पिछले 14 दिनों में रूस के 14 विमान जल चुके हैं। इनमें रूस का सबसे अत्याधुनिक टोही विमान भी शामिल है।
इतना ही नहीं, यूक्रेनी एयर डिफेंस ने रूस के 14 ड्रोन को भी हवा में ही तबाह कर दिया। इस बात का ऐलान खुद यूक्रेनी डिफेंस ने किया है। इतना ही नहीं, यूक्रेनी फोर्स ने कई फ्रंट पर विध्वंसक काउंटर अटैक किया जिससे रूसी सेना दहल गई। यूक्रेन ने पुतिन के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में ड्रोन हमला किया। हमले में एक बिल्डिंग और एक ऑयल डिपो जल गया। खेरसॉन में यूक्रेन की ड्रोन टुकड़ी ने रूस के 3 सैन्य वाहनों को जला दिया। यूक्रेन ने अवदीपका में ड्रोन और ब्रैडली फाइटिंग व्हीकल से रूस की आर्टिलरी और सैन्य वाहन को नष्ट कर दिया। अवदीपका में ही यूक्रेन ने जडैम से बारूदी धावा बोलकर रूसी पोजीशन को खत्म कर दिया। सेपोरिजिया में यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस के आर्मर्ड व्हीकल्स को तहस नहस कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन का काउंटर अटैक इसलिए सफल हो रहा है क्योंकि नेटो ने उसे सीक्रेट मिसाइल दे दी है। इसी मिसाइल से ज़ेलेंस्की सेना बारूदी वज्रपात कर रही है। आने वाले वक्त में यूक्रेन के हमले और तेज हो सकते हैं क्योंकि अमेरिका समेत कई नेटो देश उसे हथियार देने वाले हैं। नेटो सेना भी युद्ध भूमि पर उतर सकती है। रूसी धरती पर तबाही का तूफान लाने की तैयारी यूक्रेन के नए सेना अध्यक्ष सारेस्की ने भी कर ली है। यूक्रेन ने ऐसा ड्रोन बना लिया है जो 1000 किलोमीटर तक उड़कर शत्रु को खत्म कर देता है। यूक्रेन ने इस ड्रोन का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। आने वाले वक्त में उसका प्रतिकार तेज होने वाला है। बीता फरवरी का महीना रूस के लिए बेहद खतरनाक साबित हुआ। यूक्रेनी हमले में रूस के 25,000 करोड़ से ज्यादा के विमान ही ध्वस्त हुए हैं। 14 दिन के अंदर रूस के 1,220 सैनिक मारे जा चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक आइए हम आपको दिखाते हैं कि रूस का किस कदर नुकसान हुआ है। 2 हफ्तों में यूक्रेनी फोर्स रूस के 14 लड़ाकू विमानों को जला चुकी है। इसमें रूस का एक सर्विलेंस विमान भी शामिल है। और इतना ही नहीं, 14 दिनों में यूक्रेनी सेना रूस के 34 टैंक को खत्म कर चुकी है। यूक्रेन के प्रतिशोध में रूस के 104 सैन्य वाहन भी तबाह हो गए हैं। यूक्रेन का दावा है कि वो 2 हफ्तों में रूस की तरफ से दागे गए 62 ड्रोन को हवा में ढेर कर चुका है। युद्ध के मैदान में यूक्रेनी फोर्स रूस की 52 आर्टिलरी को मलबे में बदल चुका है। 14 दिन में यूक्रेन रूस के 6 एयर डिफेंस सिस्टम को तहस नहस कर चुका है। इन्हीं 14 दिनों के अंदर यूक्रेन काला सागर में रूस के युद्धपोत को भी डुबवा चुका है। यूक्रेन का पलटवार सफल हो रहा है। रूसी सेना के घातक हथियार जल रहे हैं, उसके सैनिक खत्म हो रहे हैं। इससे बौखलाई रूसी सेना भी बारूद की बरसात कर रही है। नुकसान से गुस्साई रूसी फौज ने SU-25 से मिसाइल दागकर अवदीपका में यूक्रेनी सेना के गढ़ को समाप्त कर दिया। नोवो मिखाइलिवका में रूसी सेना ने विध्वंसक हमला कर कब्जा कर लिया है। बाखमत के पास रूसी सेना ने यूक्रेन के ड्रोन को हवा में ही ढेर कर दिया। इतना ही नहीं, रूस ने सुखोई 34 विमानों से यूक्रेनी पोजीशन को तबाह कर दिया। कुप्यांस्क में भी रूस ने यूक्रेनी ठिकानों पर कहर बरपाया। यूक्रेन के 9 सैनिक मारे गए। रूस के टारगेट पर इस वक्त अमेरिका का अब्राम्स टैंक है। रूसी सेना करोड़ों के टैंक को पिराना ड्रोन से भस्म कर रही है। रूस के ड्रोन हमले में अमेरिकी टैंक इस तरह से तबाह हो रहे हैं। जाहिर है
दोनों तरफ से भीषण वार पलटवार हो रहा है। युद्ध में कमजोर पड़ चुकी यूक्रेनी सेना भी वापसी की कोशिश कर रही है। उसकी ये कोशिश कामयाब भी हो रही है। पिछले 14 दिनों में उसके हर बड़े हमले सफल रहे हैं। इन हमलों में रूस के 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के हथियार नष्ट हो चुके हैं। आने वाले समय में यूक्रेनी फोर्स को हथियारों की नई खेप मिलने वाली है। इसके बाद युद्ध में यूक्रेन की पूरी तरह से वापसी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन के ओडेसा से, जहां रूस की भीषण बमबारी हुई है। ओडेसा की बमबारी में 4 नागरिकों की मौत हो गई है। हमले में रूस की 18 मंजिल इमारत क्षतिग्रस्त हुई है और इमारत के 18 घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। और अब से कुछ देर पहले इस हमले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से सब कुछ तहस नहस होता हुआ इन तस्वीरों में दिख रहा है। ये तस्वीरें यूक्रेन के ओडेसा से हैं। करीब 19 किलोमीटर लंबे कर्च ब्रिज को साल 2015 में प्रेसिडेंट पुतिन ने बनवाया। मकसद साफ था, रूस और क्रीमिया को आपस में जोड़ना। ये पुतिन का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, लिहाजा इस विशालकाय पुल को बनाने के लिए यानी कि पानी की तरह पैसा इसके लिए बहाया गया। मगर जब से रूस यूक्रेन जंग का आगाज हुआ है, तब से कई दफा यूक्रेन कर्च ब्रिज को निशाना बना चुका है, लेकिन इस बार पूरे कर्च ब्रिज को तबाह करने की साजिश रची जा रही थी। क्रीमिया ब्रिज को मिसाइलों से नेस्तनाबूद करने का ब्लूप्रिंट भी तैयार हो चुका था। और जानते हैं इसका खुलासा एक ऑडियो टेप लीक होने से हुआ है। आखिर क्या था क्रीमिया ब्रिज पर वज्रपात का एक्सप्लोसिव षड्यंत्र, देखिए इस रिपोर्ट में। Sein, dass ich dafür 10 oder 20 Flugkörper brauche. क्रीमिया और रूस को जोड़ने वाला कर्च ब्रिज, जिससे पुतिन की साख माना जाता है, जिस पर हमला करना मतलब सीधे पुतिन को चेतावनी देना है। उसी कर्च ब्रिज को तहस नहस करने की बारूदी साजिश रची जा रही थी। क्रीमिया ब्रिज को मिसाइल हमलों में तबाह करने का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका था। और सबसे अहम बात ये, आने वाले चंद दिनों में क्रीमिया ब्रिज पर अब तक का सबसे भीषण, सबसे विध्वंसक और सबसे विस्फोटक हमला होने वाला था। जी हाँ, कर्च ब्रिज पर बारूदी हमले की साजिश से जुड़ा एक ऑडियो टेप सामने आया है, जिसमें चंद अफसर कर्च ब्रिज पर कब, कैसे और किन हथियारों से हमला होगा, इससे जुड़ी बातचीत कर रहे हैं। मगर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है कि सेना से जुड़े इन अफसरों का ताल्लुक यूक्रेनी आर्म फोर्स या फिर जेलेंस्की से नहीं बल्कि जर्मनी से है। हैरानी इस बात की है कि जर्मन सेना के जिन 4 टॉप कमांडर के बीच बातचीत का ये ऑडियो सामने आया है, उनमें से एक शख्स को लेकर दावा किया जा रहा है कि वो जर्मन वायुसेना के प्रमुख फ्रैंक ग्रीफ है। आखिर इस ऑडियो टेप में कर्च ब्रिज को किन हथियारों से उड़ाने की बात की जा रही थी, ये भी जान लीजिए। मतलब ये कि जर्मनी की टॉरस क्रूज मिसाइल और फ्रांस के राफेल फाइटर जेट से क्रीमिया के कर्च ब्रिज को नेस्तनाबूद करने की पुख्ता प्लानिंग हो रही थी। इतना ही नहीं, ऑडियो टेप से इस बात का भी खुलासा हुआ है कि जर्मन सेना जेलेंस्की ब्रिगेड को इस हमले से जुड़ी ट्रेनिंग भी देने वाली थी।
इस ऑडियो टेप के सामने आने के बाद से ही कीव टू बर्लिन, पेरिस टू ब्रसेल्स तक खलबली मच गई। आखिर क्यों, ये भी जान लीजिए। वजह नंबर एक, क्रेमलिन ने जर्मनी को नक्शे से मिटाने की धमकी दी। वजह नंबर दो, साजिश में ब्रिटेन के शामिल होने की आशंका जताई। वजह नंबर तीन, रूस ने बॉर्डर पर RS-28 सरमत मिसाइल तैनात की। वजह नंबर चार, रूसी सेना की यार्स मिसाइल न्यूक्लियर कमांड एक्टर। वजह नंबर पांच, रूसी डिफेंस ने नेटो देशों पर हमले की तैयारी की। पुतिन के आक्रामक तेवरों से सहमे जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स ने ऑडियो टेप की जांच के आदेश तक दे दिए, ताकि ऑडियो में जिन जर्मन सेना अफसर और टॉप कमांडरों के होने का दावा किया जा रहा है उसकी पुख्ता पड़ताल की जा सके। जल्द से जल्द ऑडियो टेप के सही या गलत होने की पुष्टि की जा सके। मगर एक बात शीशे की तरह साफ है, अगर ऑडियो टेप में कर्च ब्रिज उड़ाने से जुड़ी जो प्लानिंग हो रही है, वाकई ऐसा हमला क्रीमिया ब्रिज पर होता तो मंजर कैसा होता? क्या टॉरस क्रूज मिसाइल कर्च ब्रिज को तहस नहस कर पाती? क्या पुतिन की साख को मिसाइल हमलों में नेस्तनाबूद किया जा सकता था? क्रीमिया का कर्च ब्रिज पुतिन पावर का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पुल पर पुतिन ब्रिगेड का ऐसा पहरा होता है जिसे भेदना असंभव है। आपको बता दें कि ब्रिज की सुरक्षा पूरे 20 लेयर की है। जी हां, कर्च ब्रिज की सुरक्षा के लिए आसमान से पहरेदारी एक सैटेलाइट के जरिए होती है। पुल की पहरेदारी में घातक हथियार और मिसाइलों से लैस सुखोई 30 फाइटर जेट तैनात रहते हैं। एक डेडिकेटेड रडार स्टेशन भी पुल की सुरक्षा के लिए बना हुआ है। डेडिकेटेड S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से पुल की सुरक्षा चाक चौबंद की जाती है। इसके साथ ही सुरक्षा के लिए एंटी सबमरीन सर्विलेंस सिस्टम तैनात किया गया है। वहीं एयर अटैक रोकने के लिए एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लगाई गई है। ट्रक माउंटेड रॉकेट सिस्टम भी पुल की सुरक्षा में तैनात रहते हैं और इसके अलावा ब्रिज की सुरक्षा के लिए शोल्डर माउंटेड रॉकेट भी तैनात किए गए हैं। वहीं कर्च ब्रिज के आसपास सरफेस टू एयर मिसाइल भी 24/7 तैनात रहती है। पुल के करीब करीब हर इलाके में वॉच टावर भी बनाए गए हैं। अब बारी आ जाती है समंदर के रास्ते निगरानी की, तो इसके लिए बाकायदा एक युद्धपोत तैयार रहता है। कर्च ब्रिज के निचले हिस्से में सोनार सिस्टम भी लगे हैं जो समंदर के भीतर पनडुब्बियों की मूवमेंट का पता लगाते हैं और सुरक्षा के लिए 24/7 पुल के नीचे गोताखोर मरीन कमांडो की ड्यूटी होती है। सिर्फ यही नहीं, पुल के आसपास ट्रेन डॉल्फिन भी तैनात की गई हैं और इनके अलावा कोस्टल मिसाइलों को भी तैनात किया गया है। इस सिक्योरिटी सिस्टम से ही आप ये समझ सकते हैं कि पुतिन के लिए इस पुल की क्या अहमियत है। ऐसे में नेटो का कोई देश कर्च ब्रिज के आसपास भी फटका तो अंजाम भयानक हो सकता है। मतलब ये कि क्रीमिया ब्रिज पर इससे पहले जो भी हमले किए गए हैं उसके बाद से रूसी डिफेंस चौकन्ना हो चुका है। कर्च ब्रिज का डिफेंस सिस्टम पहले से ज्यादा मजबूत कर दिया गया है, लिहाजा जर्मन सेना ज़ेलेंस्की ब्रिगेड को जितनी मर्जी ट्रेनिंग दे, इस बार कर्च ब्रिज को दहलाना आसान नहीं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ऑडियो टेप जर्मनी वायुसेना के प्रमुख और अफसरों का है। ऐसे में रूसी डिफेंस ने ब्रिटेन और फ्रांस को कटघरे में क्यों खड़ा किया? क्यों इस साजिश में ब्रिटेन को मास्टरमाइंड करार दिया? तो आपको बता दें कि ब्रिटेन ने जर्मनी से टॉरस मिसाइल यूक्रेन को देने की अपील की, मगर जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स ने यूके की अपील ठुकरा दी। लिहाजा रूसी डिफेंस ने इस बात की आशंका जताई कि जर्मनी और ब्रिटेन टॉरस मिसाइल क्राइसिस का माहौल बना रहे थे ताकि दुनिया के सामने इनकार करें और चोरी छिपे मिसाइल यूक्रेन को सप्लाई करें और फिर कर्च ब्रिज पर प्रहार करें। मगर नेटो के देश अपने मकसद में कामयाब होते उससे पहले ही बारूदी साजिश से जुड़ा ऑडियो टेप लीक हो गया और अब भड़के पुतिन ने नेटो को ही तबाह करने का ऐलान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा में IDF की भीषण बमबारी हुई है। राफा में इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। राफा में बने टेंट पर बरसाई गई हैं मिसाइलें। हमले में एक दर्जन लोगों की मौत की खबर है। हमले के बाद राफा में भयानक मंजर नजर आया है।
यूरोप में विश्व युद्ध का अंदेशा बढ़ता जा रहा है। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन में नेटो लगातार सैनिक भेज रहा है और इस बीच पुतिन ने नया ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है जिससे पेंटागन में खलबली मची हुई है। नेटो का फोकस यूक्रेन बचाने पर है लेकिन पुतिन ने नए टारगेट फिक्स कर लिए हैं। ऐसे में यूरोप में कई मोर्चों पर रूस नेटो में टकराव तय माना जा रहा है जो कभी भी एटमी युद्ध में बदल सकता है। जिसका अंदेशा, जिसका शक रूस जता रहा है, अब उसका सबूत मिल गया है। अभी तक सिर्फ कहा जा रहा था कि यूक्रेन में नेटो सैनिक घुसने वाले हैं जो रूस के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। लेकिन रूस ने दावा किया है कि उसके हाथ ऐसे सबूत लगे हैं जो साबित करते हैं कि यूक्रेन में नेटो सैनिक युद्ध लड़ रहे हैं। ये वही वीडियो है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ब्रिटेन के सैनिक रूसी सैनिकों पर गोली बरसा रहे हैं। इस वीडियो को मारियोपोल का बताया जा रहा है जिसमें दो सैनिक दिख रहे हैं, चेहरे पर मास्क है। इनमें से एक ब्रिटिश कमांडर और दूसरे का नाम माइक बताया जा रहा है। इन्हें देखकर ये समझ नहीं आता कि ये यूक्रेन के सैनिक हैं या ब्रिटेन के, लेकिन दावा है कि ये पिछले एक साल से ज्यादा वक्त से यूक्रेन में हैं। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं बल्कि फ्रांस और अमेरिका के सैनिक भी यूक्रेन में इस वक्त मौजूद हैं। एक दिन पहले जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने भी कहा था कि यूक्रेन में ब्रिटेन और फ्रांस के सैनिक लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम ऑपरेट कर रहे हैं। इसी तरह का दावा यूएन में वेपन इंस्पेक्टर रह चुके स्कॉट राइटर ने भी किया है। उन्होंने न्यूज एजेंसी स्पुतनिक को दिए इंटरव्यू में बताया कि अमेरिका ने खुफिया तरीके से अपने सैनिकों को यूक्रेन भेज दिया। रूस के साथ विवाद से पहले भी और बाद में भी सैनिक भेजे गए। इस पर विश्वास नहीं करने का कोई कारण नहीं है। अमेरिका का इतिहास रहा है जो दूसरे देशों में जाकर युद्ध लड़ता रहा है। एक दिन पहले तुर्की में हुई एंटालिया डिप्लोमेसी फोरम में रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने भी जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया, बल्कि सीधे मोहर लगा दी कि फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका के सैनिक यूक्रेन में मौजूद हैं। रूस का दावा है कि युद्ध में कई अहम जगहों पर इन सैनिकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लॉन्ग रेंज मिसाइल दागने में, रूस पर ड्रोन स्ट्राइक में, फाइटर जेट से हमले में, डिफेंस सिस्टम ऑपरेट करने में, इसके अलावा मैकेनिकल कोर यूक्रेन के हथियार ठीक करने में भी लगी है, जबकि F-16 जेट उड़ाने के लिए अमेरिका एक पायलट दस्ता भी भेजने वाला है। रूस का
दावा भी सही साबित हो सकता है, क्योंकि दो दिन पहले ही फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने यूक्रेन में सैनिक उतारने के लिए कहा था। इस बीच एस्टोनिया ने भी अपने सैनिक भेजकर रूस के खिलाफ लड़ने को कहा था, हालांकि नेटो ने इससे इनकार कर दिया था। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वो तस्दीक करती हैं कि यूक्रेन युद्ध को नेटो टेक ओवर करने वाला है, यानी अब युद्ध रूस बनाम नेटो धधकने वाला है, जिससे पूरे यूरोप में बारूदी जलजला आ सकता है। इसके अलावा बात यहां तक पहुंच गई है कि यूक्रेन में किश्तों में नेटो देशों की सेना पहुंचने लगी है। पहले ब्रिटेन के सैनिक पहुंचे, फिर अमेरिका ने सैनिक भेजे, इसके अलावा फ्रांस सैनिक भेजने वाला है, कनाडा ने भी इस तरह का फैसला कर लिया है, जबकि चेक रिपब्लिक हथियारों की बड़ी खेप भेज रहा है। वहीं नीदरलैंड्स और यूक्रेन के बीच समझौता हुआ है जिसमें सेना उतारना भी शामिल है, जबकि एस्टोनिया पहले ही सेना भेजने की वकालत कर चुका है। इस बीच नेटो ने साफ कह दिया है कि रूस को रोकने के लिए अब युद्ध ही आखिरी रास्ता है। इसीलिए नेटो ने अपने सैनिक भेजकर रूस के खिलाफ चक्रव्यूह रच डाला है। रूस ने तो यहां तक दावा किया है कि फ्रंट लाइन पर यूक्रेनी सैनिक लड़ रहे हैं, जबकि ऑपरेशन की कमांड नेटो ने संभाली हुई है, जिसमें 60% सैनिक अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भी कह चुके हैं कि नेटो से टकराव के बाद ही रूस से युद्ध खत्म हो सकता है। अमेरिका के पास रूस से युद्ध का प्लान तैयार है अगर यूक्रेन हार जाता है। रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव के बयान से एक दिन पहले ऑस्टिन ने ऐसा अंदेशा जताया था। पेंटागन से लीक हुई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुतिन यूक्रेन के बाद टारगेट फिक्स कर चुके हैं। यही वजह है कि नेटो ने आक्रामक तेवर अख्तियार कर लिए हैं। एक ब्लूप्रिंट के तहत नेटो रूस की घेराबंदी कर रहा है। यही वजह थी कि कोल्ड वॉर के बाद नेटो ने सबसे बड़ी ड्रिल यूरोप में की, जिसमें बाल्टिक देशों को भरोसा दिलाया कि वो रूस से पूरी तरह सुरक्षित हैं। इसके अलावा नेटो ने जिस तेजी से फिनलैंड और स्वीडन को सदस्यता दी है वो भी उसके ब्लूप्रिंट का हिस्सा है। अब यूक्रेन को सदस्य बनाकर रूस को काउंटर करने की तैयारी है, इसी वजह से यूक्रेन में सेना भेजी जा रही है। इस खतरे को भांपते हुए पुतिन ने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है। अब ट्रांसनिस्ट्रिया के बाद गागाजिया का रूस में विलय का प्रस्ताव आ चुका है, जिससे मोल्दोवा भड़क गया है, जबकि रूस ने एस्टोनिया पर भी दावेदारी कर दी है। काला सागर में रूसी युद्ध पोतों को तबाह करने के लिए यूक्रेन अब तक सी बेबी ड्रोन यानी विस्फोटकों से लदी बोट्स का इस्तेमाल करता था, मगर अब यूक्रेन ने ब्लैक सी में ऐसे जल ड्रोन का जाल बिछाया है जो रूस के जंगी बेड़ों और युद्ध पोतों का काल बनेगा। अपने एक प्रहार से समंदर में प्रचंड जलजला कैसे लाया जाएगा, देखिए इस रिपोर्ट में। चौदह फरवरी को यूक्रेन के सी बेबी ड्रोन ने रूस के रोपूचा क्लास एम्फीबियस युद्धपोत सीजर कोनिकोव को तबाह कर दिया। बारूद से भरी बोट्स जैसे ही युद्धपोत से टकराई, जोरदार विस्फोट के साथ आग की लपटें और धुएं का गुबार आसमान में उड़ता दिखाई दिया। यूक्रेन के इस हमले ने काला सागर से क्रेमलिन तक खलबली मचा दी, क्योंकि यूक्रेनी नौसेना सी बेबी ड्रोन से इतना जोरदार प्रहार करेगी इसका अंदाजा रूसी नौसेना फ्लीट को कतई नहीं था। मगर इसी बीच ये दावा किया जा रहा है कि समंदर में रूसी जंग बेड़ों को तबाह करने के लिए, पुतिन के युद्ध पोतों को जलमग्न करने के लिए यूक्रेन ने नया वाटर ड्रोन तैयार किया है, जो ब्लैक सी में रूस की नौसेना के लिए नया काल साबित होगा। आखिर कैसे यह भी जान लीजिए। यूक्रेन के वाटर ड्रोन की रेंज करीब 950 किलोमीटर है,
वाटर ड्रोन 860 किलो विस्फोटक से लैस होता है। वाटर ड्रोन में एडवांस सेंसर और कैमरे लगे होते हैं। बैटरी के जरिए ये ड्रोन समंदर में मूवमेंट करता है। चौदह फरवरी को यूक्रेन ने जिस सी बेबी ड्रोन का इस्तेमाल किया वो मागुरा V5 USV था, मगर अब ये आशंका जताई जा रही है कि जल्दी यूक्रेनी डिफेंस नए वाटर ड्रोन के जरिए काला सागर में रूस की नौसेना पर हमला करेगा। ब्लैक सी में तैनात पुतिन के जंगी बेड़ों और युद्ध पोतों पर विस्फोटक प्रहार करेगा। हालांकि रूस की नौसेना ने भी यूक्रेन की तरफ से हो रहे ड्रोन हमलों को रोकने के लिए खास रणनीति बनाई है। एंटी ड्रोन सिस्टम और मिसाइलों को भी तैनात किया है ताकि अब यूक्रेनी नौसेना की तरफ से कोई भी मरीन ड्रोन रूसी युद्धपोतों के आसपास दिखे तो उसे तबाह किया जा सके। Report, जेलेंस्की ने यूक्रेन को बचाने के लिए एक नया खेल रचा है। अब यूक्रेन में वॉर टूरिज्म शुरू किया जा रहा है जिससे यूक्रेन की दयनीय स्थिति दुनिया को दिखाकर संवेदना बटोरी जा सके और रूस के खिलाफ नफरत का माहौल बनाया जा सके। इतनी तबाही और इसकी नुमाइश। इतना बारूद और इसकी प्रदर्शनी। इतने जख्म और इसका पर्यटन। अभी ना तो युद्ध खत्म हुआ है और ना ही ये भरोसा कि यूक्रेन रूस के पंजे से बच जाएगा। इस बीच यूक्रेन ने अपने दरवाजे वॉर टूरिज्म के लिए खोल दिए हैं, जिसके बारे में यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है, हमारा मकसद दुनिया को यह दिखाना है कि रूस ने एक खूबसूरत देश को कितना तबाह कर दिया। हम बताना चाहते हैं कि हम फिर से उठ खड़े होना चाहते हैं। दुनिया हमारा साथ देने को आ गया है। यानी यूक्रेन बताना चाहता है कि दुनिया भर से लोग आए, तबाही के सबूत अपनी आंखों से देखें, वो दर्द महसूस करें जो हमने झेला है। इस बीच दुनिया के कई देश यूक्रेन का विरोध कर रहे हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये मानवता के विरुद्ध है। युद्ध पीड़ितों की कुर्बानी का उपहास उड़ाया जा रहा है। झूठी संवेदना के लिए ये सब किया जा रहा है। जबकि दुनिया जानती है कि यूक्रेन युद्ध में शिकार हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। यूक्रेन ने वॉर टूरिज्म पर काम भी शुरू कर दिया है। कई ऐसी इमारतें हैं जो पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं, उन्हें ठीक नहीं किया जा रहा बल्कि उन्हें वॉर टूरिज्म के लिए खोल दिया गया है। टूरिज्म में कीव के ऑस्टोमल के इस घर को शामिल किया गया है जहां जली हुई कारों और घरों को ज्यों का त्यों रखा गया है। ये कीव में ही एक बंकर की तस्वीर है जो सोवियत काल का बंकर है, जिसे युद्ध के दौरान यूक्रेन के लोगों ने छिपने के लिए इस्तेमाल किया था। ये कीव में जंगल के बीच बनाया वॉर मेमोरियल है जो मारे गए यूक्रेनी सैनिकों की याद में बनाया गया है। यहां कई सैनिकों की तस्वीरें भी लगाई गई हैं। ये कीव में एक घर की दीवार है जिस पर गोलियों के निशान हैं, उन पर फूल बनाकर दीवार को रंग दिया गया है। कीव के इस आधे से अधिक टूटे हुए घर को भी शामिल किया गया है, जिसमें बताया गया है कि युद्ध से पहले कैसा था घर। इसके अलावा कीव प्रशासन जंग में इस्तेमाल हुए हथियारों को भी एक जगह इकट्ठा कर रहा है।
जिससे लोगों को बताया जा सके कि कितने विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। साथ ही युद्ध में तबाह हुए रूसी टैंकों और आर्मर्ड व्हीकल भी लोगों के देखने के लिए रखे जाएंगे, जिसके जरिए संदेश जाए कि यूक्रेन ने किस हौसले से रूस का सामना किया। यूक्रेन में दुनिया भर के टूर ऑपरेटर पहुंचने लगे, जो वीडियो फिल्म बनाकर पर्यटकों को भेज रहे हैं, जिससे लोग यूक्रेन पहुंच सके। एक टूर पैकेज का टिकट $120 रखा गया है, जिसमें से आधा यानी $60 यूक्रेनी आर्मी के फंड में जाएगा, बाकी टूर ऑपरेटर कंपनी को मिलेगा। युद्ध से पहले यूक्रेन एक बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन था, लेकिन आज तबाह हो चुका है, इसलिए कीव प्रशासन ने प्लानिंग की है जिससे यूक्रेन को फंड भी मिल सके और दुनिया को इस युद्ध से तबाह हुए यूक्रेन के लिए संवेदना और रूस के लिए नफरत पैदा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इसराइल ने गाजा की धरती पर नरसंहार किया तो बदले की आग में जल रहे हमास ने 7 बंधकों की हत्या कर दी और इसी के साथ वो हो गया जिसका डर कई महीनों से था। तो सवाल ये है कि क्या हमास अब सभी बंधकों को मार देगा? गाजा में युद्ध का सबसे खूनी और सबसे खतरनाक दौर शुरू हो गया है। इस दौर की शुरुआत 1 मार्च को तब हुई जब इसराइल ने खाने पीने की चीजें लेने पहुंची आवाम पर गोलियां ताक दी। IDF की फायरिंग में गाजा के 100 से ज्यादा आम लोग मारे गए। इस नरसंहार के बाद ही गाजा में कत्लो गारत का भयावह दौर शुरू हो गया। इसराइल की फायरिंग से गुस्साए हमास ने बंधकों का कत्ल करना शुरू कर दिया है। हमास ने 7 बंधकों को मारने का ऐलान किया है। इस वीडियो को हमास ने जारी किया है, ये हत्या से पहले का वीडियो है। हमास ने इन बंधकों का पहले वीडियो और बयान जारी किया, इसके बाद इन्हें मौत के घाट उतार दिया। बंधकों की हत्या हमास ने की, लेकिन उसने अपने बयान में इजरायली सेना को कसूरवार ठहराया है। हमास ने बयान जारी कर कहा है कि हमने इन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये इजरायली सेना की भीषण बमबारी में मारे गए। इनकी मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सेना है। खैर, ये हमास का बयान है, लेकिन माना जा रहा है कि राहत सामग्री लेने पहुंची आवाम पर इजरायली गोलीबारी से क्रोधित हमास ने ही 7 बंधकों की हत्या की।